أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.

इस दिनी मजलिस का इनकाट किया गया है। अल्लाह रबूल अल्लामीन हम सबके जमा होने को कबूल फरमाएं और इस मजलिस के इनकाट पर तमाम अहबाब और जिम्मेदारान को बेहतरीन अज़रसवाब नसील फरमाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड-नाइनटीन के नतीजे में मौजूदा हालात में सारी इंसानियत न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारी इंसानियत कई मसाइल से जूझ रही है। इस बीमारी के नतीजे में जहां इंसान के लिए जिंदगी और मौत का सेहत और बीमारी का मसला खड़ा है वहीं इसके नतीजे में कई समाजी माशी और सियासी मसाइल भी खड़े हुए हैं इन मसाइल में रिस्क का एक मसला एक बहुत ही अहम और बड़ा मसला है तजारतों का बंद होना बाजारों का बंद होना ताजियों का अपने माल को अपने ही पास रोक कर रखना लोगों का जॉब से दूर हो जाना इस तरह के कई मसाइल कई लोगों का जॉब से निकाल दिया जाना सफ़र करना मुश्किल हो जाना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी और दिक्कत होना इस तरह के कई मसाइल हैं जो इस बीमारी के नतीजे में इस लॉकडाउन के नतीजे में पैदा हुए हैं और इसका मसला इतना बड़ा मसला है कि बाज अवकात एक इंसान इस की तंगी की वजह से कुफर तक चला जाता है जब तक जिंदगी के हालात अच्छे होते हैं इंसान के हालात अच्छे होते हैं बहुत से लोग दीन पर चलते भी रहते हैं अल्लाह से खुश रहते हैं लेकिन बाज़ बाजात जब जिंदगी में तंगी आती है परेशानी आती है रिस्क के मसाइल खड़े होते हैं तो इंसान हलाल से हराम की तरफ जाता है नेकियों को छोड़कर गुनाहों के रास्ते पर निकल जाता है और कभी नौबत यहाँ तक आ जाती है कि एक इंसान ईमान से कुफर की तरफ चला जाता है शिक्र से ना शुक्री और ईमान से खफ्र की तरफ निकल जाता है तो रिस्क का मसला कोई आसान मसला नहीं है कोई छोटा मसला नहीं है इसमें बहुत संगीनी है और एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की रोजाना की जरूरत है खाना पीना लिबास जरूरिया एक वसी माना रिस्के हैं जो इंसान की सारी जरूरतों से जुड़ा हुआ है लिहाजा इस मसले का हल होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है और इंसान के इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इसका असर पड़ता है उसके दीन पर इसका असर पड़ता है लिहाजा आज के इस दर्श में इसी इसीवान के तहत कुछ बातें हमको देखनी है कुरान क़रीम में अल्लाह ताला तरमाया जमीन में कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो यसुहद की आयत नंबर छः इस आयत से बात मालूम होती है कि तमाम बात का चाहे वो इंसान हो चौपाए हो परिंदे हो या समंदर में तैरने वाली मछलियाँ और सारे जानदार इन तमाम जानदारों के रिस्क का मामला अल्लाह रब्लम के जिम्मे है अल्लाह ताला ही उनके लिए रिज का इंतजाम करता है जाहिर बात है कि इंसान की दुनिया में बका के लिए उसको दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाने पीने और दूसरी जरूरतों की एहतियाज है उनका वो मोहताज है इनके बगैर इंसान मर जाएगा अगर मुसलसिल इंसान को खाना ना मिले पानी ना मिले इंसान की बका मुश्किल है लिहाजा अल्लाह रबालमीन ने न सिर्फ ये कि इंसान को वजूद दिया उसे पैदा किया उसकी तख्लीक की बल्कि इसी के साथ साथ अल्लाह तला ने इंसान के वजूद को बाकी रखने के लिए दुनिया में इसबा और वसायल पैदा किया और इनकी फराहमी को इनके अता करने को अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे रखा जाहिर बात है मखलूक के हवाले कर दिया जाता तो मखलूक चूँकि बकील है हरीस है उसकी तकसीम सही नहीं हो पाती अल्लाह रबालमीन ने रज़ का जिम्मा अपने पास रखा है इसीलिए बारिश अल्लाह ताला अपने हुक्म से बरसाता है जमीन से अनाज अल्लाह के हुक्म से उगता है अल्लाह रबालमीन रिज़ का मालिक है इन रजा को अल्लाह ने कहा अल्लाह है जो खुद रजाक है तो इसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चौपाये और सारी मखलूक इन तमाम का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है और अल्लाह तला वक्ता फवक्ता रिस्क नाजिल करता रहता है बंदों को अता करता रहता है बल्कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है और चार महीने की मुद्दत उस हमल पर गुजर जाती है तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आकर चार चीजें उसके लिए लिख देता है बिकत बेस् व अजल ही वमल ही वह बच्चे का रिस्क उसका अमल और उसकी उम्र और वो शकी है या सईद है यानी वो नेक होगा या बदबक होगा जन्नती होगा या जहां होगा ये सारी चीजें पहले ही से लिख दी जाती है यानी अल्लाह के इल्म में पहले से है कि वो क्या करेगा लिहाजा इन चार चीजों में से एक अहम तरीन चीज जहां उसकी उम्र का मामला है वही उसके रज का भी मामला है क्योंकि ये जिंदगी से जुड़ा हुआ है अल्लाह ताला फरमाता वमा इल्ला ज़मीन में कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रज का मामला अल्लाह आलमीन के ज़िम्मे ना हो तो सारी मखलूक का रिज्क अल्लाह अदा करता है इसी तरह से अल्ला अल्लाह तरमायाबार्बल ये है अल्लाह तुम्हारा रब तो बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह जो सारे आलमीन का रब है सिर्फ तुम्हारा रब नहीं सिर्फ तुम्हारा खालिक व मालिक व राजिक मुदब्बिर नहीं बल्कि पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है उसका राजिक अल्लाह ताला है और उस पूरी कायनात के निज़ाम का चलाने वाला और सारे निज़ाम का मालिक अल्लाह रबुलमीन है तो अल्लाह ताला रब है और रबूब के लवाजमात में से रिस्क अता करना है तखलीक के साथ साथ रिस्क का भी इंतजाम करना रब होने के लवाजमात में से अल्लाह रब है तो अल्लाह ही के जिम्मे है मखलूक का रिस्क देना इस एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह रबीन ने दुनिया में रिस्क के लिए इसबाब पैदा किए हैं इंसान को अल्लाह तला ने जहाँ पूरा वजूद दिया उसमें हाथ भी दिए कि वो मेहनत करे कमाए और उसके लिए मुंह दिया कि वो लकमा खाए और उसका पूरा जिसम अल्लाह तला ने बनाया उसके लिए आंखें दी कान दिए उसके लिए जुबान उसको अता की पाँव दिए ताकि वो चल के रिस्क की तरफ जाए अल्लाह रबालमी ने इंसान के की जात में और इंसान से बाहर ऐसे वसायल और इस्बा पैदा किए हैं जिनके जरिए इंसान दुनिया में अपना मादी रिस्क और मानवी रिस्क हासिल कर सकता है चाहे वो दीन हो या दुनिया हो दोनों उसकी जरूरत है तो इन आजा का इस्तेमाल करके इंसान अपने मकसूद तक पहुँच सकता है अपने रिस्क को हासिल कर सकता है लेकिन ये जाहिरी इसबाब है तजारत नौकरी या इसी तरह से खेती बाड़ी या इस तरह की जितने भी इसबाब हैं ये इंसान के रिस्क के इसबाब हैं ये जाहिर इसबाब हैं ये मादी इसबाब हैं इन इसबाब के जरिए से अल्लाह रबीन ने इंसान के लिए रिज्क फ्राहम करने का वादा किया है इंसान को कोशिश करने के लिए कहा

तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां इबादत का अल्लाह ने हुक्म दिया और इबादत से फरागत के बाद अल्लाह तला ने रिज के लिए जमीन में फैल जाने और इसके कोशिश करने का हुक्म दिया रिज की तलाश करने का हुक्म दिया तो ये मादी इस्बा है जिनके जरिए आदमी तजारत वगैरह के जरिए से अपना रिज हासिल करता है लेकिन कुछ इसबाब दीनी और गैबी है कुछ इसबाब वाहिरी हैं तिजारत करना खेती करना कमाना मेहनत करना दुकान चलाना और इस तरह की जितनी चीजें ये जाहिरी और मादी जाहिरी इसबाब है लेकिन इसी के साथ साथ कुछ इसबाब हैं जो दीनी हैं जिनके जरिए से अल्लाह ताला गैब से रिस्क देता है और रिस्क में बरकत देता है ये इसबाब अगर इंसान की जिंदगी में आ जाए तो इंसान के लिए थोड़ा भी काफी हो जाता है असल मसला ज्यादा और कम का नहीं है असल मसला किफ़ायत का है इंसान के पास ज्यादा हो लेकिन काफी ना हो ज्यादा हो लेकिन उसमें खैर ना हो तो इंसान के पास ज्यादा हो के फायदा नहीं है लेकिन इंसान के पास थोड़ा हो लेकिन वो थोड़ा उसके लिए खैर बने वो थोड़ा बरकत वाला हो तो ये थोड़ा उसके लिए ज्यादा बेहतर है उस बहुत सारे से जिसमें ना खैर हो ना बरकत हो ये खैर और बरकत कैसे आती है ये खैर बरकत दुनिया की डिग्रियों से नहीं आती है दुनिया की भागदौड़ से नहीं आती है ये खैर बरकत आती है उन इसबाब और वसायल से जो अल्लाह रबालमीन ने और रसूल ने हमको बताए हैं जो कुरने करीम में हैं और नबी करीम सल्लाम की सुनत में है आपकी आदि मुबारक में है इन इसबाब का इख्तियार करना ये ईमान के तकाज़ों में से एक तकाजा है क्योंकि जो आदमी ईमान नहीं रखता है वो तो उन्हीं इसबाब के पीछे दौड़ेगा जो आंखों से दिखाई देते हैं लेकिन जो आदमी दीन का हामिल है जो आदमी ईमान अपने दिल में रखता है जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल रबीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम की बात का इल्म हो उसका उस पर यकीन हो ऐसे आदमी को दिल की बसरत से दिखाई देगा कि वाहिर से आगे भी कुछ चीज़ें हैं उनबाब को इख्तियार करना चाहे वाहरी तौर पर दिखाई ना देता हो अल्लाह रबीन अपने गैब से रहा करता है और उस रिस्क में बरकत डालता है आज के इस दौर में जबकि सारी इंसानियत न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर आदमी हती के जानवर भी अपने रिस्क के मामले में परेशान है इस दौर में खसूस उन इस्बाब का इख्तियार करना उनका एहतमाम करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है ताकि हम इन कम वसायल के बावजूद अपने रिस्क में बरकत को हासिल कर सकें और हमारे लिए किफ़ायत के दरवाजे खुल जाए आज के इस दर्श में इसी बुनियादी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और मालूम करेंगे कि वो क्या वसायल हैं जो कुरान करीम में और रसूल अक्रम सदीस में हमको बताए गए हैं इनका अहतमाम करके हम अपने रिस्क में बरकत के दरवाजे खोल सकते हैं

तो देखो कैसी प्यारी सूरतें अता की कैसी अच्छी सूरतें बनाईं रजुम मीना तयब और अल्लाह ने तुम्हें तयबात में से पाक और उमदा चीजों में से रजा फरमाया रब्बुकुम ये है अल्लाह तुम्हारा रब ये है अल्लाह तुम्हारा रब फतबा रकल्ला रबालमीन तो बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह जो सारे आलमीन का रब है अल्लाह की सिफात में से अल्लाह आलमीन के बारे में कुरान करीम में जो बातें बयान हुई हैं जो औसाफ अल्लाह के बयान हुए हैं जो खूबियां अल्लाह की बयान हुई हैं इनमें से एक खूबी और एक बहुत ही बड़ी बात यह है कि अल्लाह आलमीन बरकतों का अता करने वाला है अल्लाह रकल्ला आलमीन यहाँ पर सूरह गाफिर में सूरह सर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर चौंसठ में ये बात कही है शेख मोहम्मद बबन साल अपने

जिसकी तरफ से आने वाली बरक़त और जिसकी तरफ से मिलने वाली खैर बहुत ज्यादा है थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तो अल्लाह के यहाँ बरकत है खैर है कसरत है तो ये अल्लाह है जो बरकतों का अता करने वाला है ज्यादा का देने वाला है सवाल यहाँ कि बरकत किसको कहते हैं बरकत के माना क्या है अबू हिलल अल कहते हैं अपनी किताब नोजम्ल फरूक अलगविया में कहते हैं अलबार बरकत कहते हैं जियादती को और इजाफे को परवान चढ़ने को बढ़ने को मीनू ऐसे तरीके से इजाफा होना ऐसे तरीके से बढ़ना ऐसे तरीके से ज्यादा होना जो वाहरन हिस्से दिखाई ना यानी आख से दिखता तो नहीं है लेकिन वो बढ़े हैं कैसे अब आप बहुत सारी चीजें आपके सामने बढ़ती हैं दिखाई देता है लेकिन बरकत यह है कि गैबी तरीके से अल्ला रबालमीन किसी चीज में ज्यादती अदा करे इसको बरकत कहते हैं तो मालूम है कि गैबी तरीका है यहबाब वाला मामला नहीं है बल्कि अल्लाह अपनी तरफ से बरकत देता है बरकत किसी की तरफ से नहीं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है इसको भी याद रखना चाहिए यही कि आदमी दरगाह पर जाए और वहां पर चीजें रखे और बढ़ जाए नहीं बरकत का देने वाला अल्लाह आलमीन है अल्लाह कैसे बरकत देता है हमारी अकल से नहीं बल्कि अल्लाह ताला बरकत देता है उन आमाल से जो अल्लाह ने हमको बताए हैं चाहे वो बराह कुरान में हो या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताया गया हो तो बरकत वहां से आती है उन इसबाब से आती है तो मालूम है कि बरकत ज्यादी को कहते हैं परवान चढ़ने बढ़ने को कहते हैं लेकिन ऐसे तरीके से जो गाहरी हिस्स से आंखों से दिखाई ना दे इंसान की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक ना हो बल्कि वो गैब से हो आइए देखते हैं कि बरकत के इसबाब क्या हैं किन इसबाब से अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है सबसे पहला सबब ईमान और तकवा है सबसे पहला सबब बरकत का क्या है वो चीज जिसके बगैर इंसान की नजात नहीं जो दुनिया में सदत है और आखरत में आखरत में इंसान के लिए जन्नत का और यानी कामयाबी का जरिया है

ईमान ले आते और तकवाश्यार बन जाते मुतकी बन जाते परहेजगार बनते अल्लाह से डरने वाले बनते अल्लाह से डर के अल्लाह की नापसंदीदा चीजों से बचने वाले बन जाते लफल तो हम उनके लिए आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते न सिर्फ जमीन से बल्कि आसमान से भी उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देते उनकी चीजों में बरकत होती उन्हें रिस्क बरकत के साथ दिया जाता अर्द, आसमानों और जमीन की बरकतें उन्हें हम अता करते हैं बारिश उनके लिए खोल देते हैं बारिश किसी के हाथ में नहीं है बारिश किसी, के, किसी कानून दा के हाथ में नहीं है प्रोटेस्ट करने से बारिश होगी नहीं इसी तरह से कोई साइंटिस्ट कुछ करे तो बारिश उस किसी के हाथ में नहीं है अल्लाह रबीन ही है जो बारिश बरसाता है और जहां चाहे बरसाता है किसी का इसमें नहीं है बरक़ात मिन जमीन आप देखिए जमीन से अनाज उगाना किसी के हाथ में नहीं है अगर अल्लाह तला जमीन को हुक्म दे दे कि अनाज मत उगा तो नहीं उगाएगी अल्लाह रब्बुल रबुलमी का हुक्म है कि जमीन में जब आप बोते हो तो जमीन कई गुना करके लौटाती है वह नबाज औकात बारिश नहीं होती और नहीं उगता है फसलें तबाह हो जाती हैं मौसमों की अचानक तब्दीली अल्लाह ताला फसलों को तबाह कर देता है बाज़त बारिश होती है, लेकिन इतनी ज्यादा होती है कि उगी हुई फसल बर्बाद और तबाह हो जाती सड़ जाती है अल्लाह जो चाहे करता है अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते हैं, और तकवा इख्तियार करते फताब हम उन आसमान और जमीन से बरकतें अता करते हैं बरकतों के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं इस आय से बात मालूम होती है कि अल्लाह रबालमीन की तरफ से बरक़ात के हसूल का बुनियादी सबब ईमान है और ऐसा ईमान जो तकवा के साथ हो सिर्फ़ मालूम और उस मालूम का बुनियादी यकीन नहीं बल्कि उस यकीन के असरत इंसान की जिंदगी में हो अल्लाह रबुलमीन की अजमत का एहसास अल्लाह की पहचान जैसी होगी वैसी दिल में अल्लाह रबालमीन की आजमत होगी और जब दिल में अल्लाह की आजमत का कमाल पैदा होगा तो इंसान की जिंदगी में तकवा का जमाल पैदा होगा इंसान की जिंदगी परहेजगार बनेगी जब वो जानेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में उसको देख रहा है तो फिर उसकी ज़ुबान गलत बात के बोलने से उसके हाथ गलत काम के करने से उसके कदम गलत, गलत रास्ते पर चलने से रुक जाएंगे तो अल्लाह आलमीन का इस्तेहजार अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान और उन बातों पर ईमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं गैब पर यकीन ये जिंदगी में आ जाए और दूसरे जिंदगी में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचना अगर आ जाए तो ये बुनियादी वस्फ़ है जिसके नतीजे में सारी खैर के दरवाजे खुलते हैं अल्लाह फ़ात बरक तो जिंदगी में ईमान और तखवा वो बुनियादी वस्फ़ है जिसके जरिए से अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है ये पहली चीज है जिसको याद रखना जरूरी है इस सिलसिले में तकवा न सिर्फ ये कि एक इंसान झूठ नहीं बोले चोरी नहीं करे गलत काम नहीं करे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंसान बुनियादी तौर पर रिस्क के मामले में खास तौर से हराम से बचने वाला बने गलत रास्ते से वो रिज्क न कमाए कैसे मालूम पड़ेगा क्या हराम है क्या हलाल है अकल से नहीं मालूम पड़ेगा कुरान सुनत के इल्म से मालूम पड़ेगा क्या हलाल है क्या हराम है जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है चाहे अक्ल बताती हो कि इसमें फ़ायदा है इंसान को चाहिए कि उससे बचे अगर वो बचता है अल्लाह के हुक्म की वजह से उसके इम्कान के बावजूद उसके लिए वो सब पॉसिबल है लेकिन अल्लाह ताला ने मना किया है लिहाजा इंसान बचता है तो ये तकवा का एक बाब है और बहुत अहम बाब है और इसकी बुनियाद पर अल्लाह रिस्क में बरकत देता है वाहिर में तो यही है के एक इंसान अगर अपने लिए कई दरवाजे बंद कर ले हराम रास्ते तो रिस्क कम हो जाएगा लेकिन ये जीरी सबब है ये जीरी मुशाह है हकीकत क्या है कि जब इंसान अपने लिए हराम रास्तों को खुद बंद करता है तो अल्लाह तलाल रास्ते गैब से उसके लिए खोल देता है उसको मालूम नहीं कहां से होगा क्यों अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में ये बात बयान की है अल्लाह ताला फरमाता है वमन मैत यजा मखराजा वरजुख मिनिमय तो में आयत नंबर दो और तीन अल्लाह तला फरमाता है जो कोई अल्लाह तर के परहेजगारी इख्तियार करता है तकवा के माना बहुत शामिल है उसमें अल्लाह का खौफ भी आता है और अल्लाह के खौफ से बुराइयों से बचना भी आता है वमैयला जो अल्लाह तला से डर के परहेजगार बन जाता है या जया मखरा मुसीबत में वो फंसा है अल्लाह ताला उससे निकलने का रास्ता उसके लिए पैदा फरमाता है उसके लिए रास्ता बनाता है उस मुसीबत से निकलने का वर्जुख मन तब और उसको ऐसे रास्ते से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी ना हो उसकी कोई कैलकुलेशन ना हो उसकी सेटिंग नहीं है उसके गुमान में भी नहीं है अल्लाह ताला ऐसे रास्ते से उसको रिस्क देता है और मैं ये तो हसबू हूँ और जो अल्लाह ताला पर तोल करता है अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह के अपने सारे मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है एक एतबार से आप गौर करें तो तकवा ईमान और तवक्ल का नतीजा होता है हराम से आदमी कैसे बचेगा अरे अल्लाह देगा मैं अगर इस हराम को छोड़ दूंगा अल्लाह तला मुझको अता करेगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तकवा का ताल्लुक ईमान और अल्लाह पर भरोसे से जिस दर्जे का अल्लाह पर भरोसा होगा कि अल्लाह रिस्क देने वाला है उस दर्जे का जिंदगी में तकवा होगा लिहाजा ज़रूरी है तकवा के लिए और तवक् नतीजा है ईमान का अल्लाह पे भरोसा आदमी कब करेगा जब अल्लाह और बल आलमिन की कुदरत की मारिफत इंसान को होगी हम गौर करें कुरान करी बहुत अजीम शान किताब है तो अल्लाह पर ईमान अल्लाह की जात और सिफात का यकीन और उसकी मारिफत के नतीजे में तोल पैदा होता है अल्लाह की कुदरत का यकीन और अल्लाह पर भरोसा आदमी तभी करेगा जब अल्लाह का यकीन हो अल्लाह की कुदरत का यकीन हो और जब भरोसा जिंदगी में आएगा तो छोड़ना आसान होगा क्यों इसलिए कि जो इंसान अल्लाह से पाने का यकीन रखता है वो अल्लाह के छोड़ने की ताकत रखता जब अल्लाह से पाने का यकीन पैदा हो जाए दिल में तो अल्लाह के लिए खोने का खोने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है लिहाजा अल्लाह रबालमी ने यहाँ पर तकवा और तवक्ल को एक साथ बयान किया है तो इस आयत से भी ये बात मालूम होती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए परहेजगार बन जाता है हराम से बचता है गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला मुसीबत से निकलने का रास्ता उसके लिए पैदा फरमाता है और अल्लाह ताला उसके लिए आदमी सोचेगा कि अब मैं सब छोड़ दूंगा हराम तो कहाँ से होगा अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अकेला अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है अल्लाह ताला असबाब को पैदा कर सकता है लेकिन असबाब रिस्क पैदा नहीं कर सकते हैं इसको याद रखिए अल्लाह ताला बगैर असबाब के रिस्क पैदा कर सकता है मरियम को अल्लाह कहां से देता था बगैर असबाब के बेमौसम फल अल्लाह जिसको चाहता है देता है लेकिन सारे मौसम मिलके फल पैदा नहीं कर सकते हैं जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करना अल्लाह पर ईमान रखना अल्लाह के खौफ से अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचना ये रिस्की बरकत और रिस्क पाने का जरिया है आइए तो आगे बढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नक लन तदा शैअन इत्तिका अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इल्ला अताक अल्लाह खैरन जब भी तो अल्लाह के लिए अल्लाह के खौफ से अल्लाह के अल्लाह से डरते हुए किसी चीज को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज तुझको अता करता है जब तकवा की बुनियाद पर एक इंसान हराम को छोड़ देता है अल्लाह की खातिर कोई पकड़ने वाला नहीं कोई रोकने वाला नहीं कोई देखने वाला नहीं लेकिन अल्लाह की वजह से छोड़ देता है अल्लाह तला उससे बेहतर चीज अता फरमाता है लाजमी जरिया भी और शर्त है लिहाजा ये चीज याद रखें और ये इसीलिए मैंने तफसी से जिक्र किया इसलिए कि अक्सर तंगी के हालात में तकवा दगमगा जाता है परेशानी के हालात में सबसे ज्यादा चोट अगर पहुंचती है तो इंसान के तकवा को लिहाजा इंसान मुसीबत में खास तौर से तकवा काम करे ताकि अल्लाह रबालमीन अबाब से नहीं बल्कि गैर से उसको अता फरमाए ये न सिर्फ अता है बल्कि शर्फ भी है ये तो मिलता ही मिलना है लेकिन मिलने के साथ इज्जत के रास्ते से मिलना शर्फ के साथ मिलना ये बड़ी चीज है नंबर दो तजारत में बरकत का दूसरा जरिया सच्चाई और साफ गोई है अमानदारी। तिजारत में धोखा ओखा नहीं चक्कर मक्कर नहीं बल्कि तिजारत में आदमी सच्चाई और सफाई के साथ में मामला करें ये भी बरकत के जराय में से है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम बिलम मा दो मामला करने वाले तजारती मामला करने वाले उनको दोनों को इख्तियार होता है कि अपने मामले को या तो बरकरार रखें या तो खत्म करें मालम तफर्रका लेकिन ये इख्तियार उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि वो जुदा ना हो जाए बातचीत की तय हुआ जुदा हो गए मामला तय हो गया अब इख्तियार खत्म हो गया ये कि दोनों राजी हो जाए उसके मामले के खत्म करने पर लेकिन अगर नहीं तो एक तरफा तौर पर मामले को खत्म नहीं किया जा सकता है अलबैया बुरी لهما في फी ब दोनों अपनी तिजारत में सच बोलें और अपने माल की हकीकत को साफ बयान कर दें माल घटिया है लेकिन कह रहा बहुत जबरदस्त है झूठ नहीं धोखा नहीं वाकई जो हैसियत उसके माल की है वो उसकी हैसियत को बयान कर दे भाई ऐसा है इस दर्जे का है इस लेवल का है और अगर ऐब है तो बयान करे पर इन सदका व बना बूरी का लह माफी अगर वो अपने अपनी तिजारत में अपने मामले में सच्चाई का अहतमाम करें और वजाहत के साथ अपनी चीज की हैसियत को बयान कर दें तो उनकी इस में उनके इस मामले में उनकी इस डील में, में बरकत डाल दी जाती है बरकत डाल दी जाती कौन डालता है अल्लाह की तरफ से आती है बुरी कलह माफी बिमा व इनका दबा व मुश्कत बरकत बिहिमा और इसके बिलाक्स अगर इसके बरक्स अगर वो झूठ बोले और अपनी चीज के ऐप को उसकी हैसियत को छुपा जाए मुहिकत बरकत बिह उनकी इस तजारत उनके इस मामले उनकी इस डील की बरकत मिटा दी जाती है झूठ बोल के आदमी अपना नुकसान करता है, दूसरे का नहीं उसकी तजारत की बरकत खत्म हो जाती है इस हदीस को इमाम अलबुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है इस हदीस से बात मालूम होती है कि मामला में सच्चाई और साफ गोई सफाई हकायक को बयान करना ये इंसान की तिजारत में बरकत को लाता है लेकिन मामलात में तिजारत में झूठ बोलना धोखा देना इंसान की तिजारत की बरकत को मिटा देता है तो फिर दुकान बहुत बड़ी दिखाई देगी लेकिन कुछ भी बरकत उसमें नहीं है लिहाजा इस बात को याद रखें कि इस्लाम सिर्फ भागदौड़ नहीं बल्कि इस्लाम हमको इस बात की तालीम देता है कि हम तजारत में ईमानदारी और सच्चाई का एहतमाम करें तो ये न सिर्फ दुनिया में बरकत का जरिया है बल्कि आखिरत में भी इससे बेहतर इसके हसूल का जन्नत के हसूल का जरिया है और अल्लाह की रवा सबसे बड़ी चीज़ है तो ये दूसरी चीज है जो हमको सिखाई गई है नंबर तीन सुबह सवेरे कोशिश शुरू करना जल्दी जल्दी अपनी तिजारत में या अपनी कोशिशों कोशिशों में लगना शखर अलगामिदी कहते हैं नबी वसल्लम से रिवायत करते हैं

तो बैसा हम मिन अवली नहार आप दिन की शुरुआत में उसको भेजते हैं मिन अवली नहार बकूर से मुराद यही है अवलु नहार दिन की शुरुआत में कहते हैं वकाना सखर और जुलन ताजरन और कहते हैं कि ये जो सहाबी हैं जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं कि वकाना सखर और जुलन ताजरा रावी कहते हैं कि हजरत सखर रदी अल्लाह तु एक ताजिर शख्स थे वकाना यह बैसु मिन अवली नहारी कहते हैं कि वो अपनी तजारत के सामान को और अफराद को जो बेचने के लिए जाते थे ये दिन की में रवाना करते थे तजारत के लिए फरा व कसौरा मालूह तो उनकी तजारत में फरावानी और फरोग हुआ बढ़ गई तजारत और उनका माल भी बढ़ गया तजारत भी बढ़ी माल भी बढ़ा तजारत के नतीजे में जो माल हासिल होता है माल भी बढ़ गया और तजारत में भी अल्लाह रबुआलमी ने बरकत दी और उसको बढ़ाया इस हदीस को इमाम अहमद अबूदाऊ तिरमिदी नसई बिमाजा बिहबान और इसी तरह से इमामी ने रिवायत किया है और सही अल्जाम सगीर में शेख अलबानी ने इसको सही कहा है इस हदीस से बात मालूम होती है कि इंसान को चाहिए कि वो कोशिश में जल्दी करे दिन की शुरुआत में दिन के अव्वल हिस्से को गनी जाने न सिर्फ तजारत के मामला में बल्कि दीनी मामला में भी इसलिए आप देखें कि रसूल सल्ला सल जब लश्कर भेजते थे जंग के लिए तो या किसी और काम के लिए तो आप उसको दिन की शुरुआत में रवाना करते थे तो ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह रबुली ने खैर रखी है बरकत रखी है इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए बहुत तो सारे इलाकों में आप देखिए मुसलमान आमतौर से दिन की शुरुआत में फजर की नमाज भी छोड़ के सोए रहते हैं सारी दुनिया अपनी तजारतों में अपने काम काज में स्कूल मदरसे कॉलेज सब में लग जाती है उसके बाद सबके बाद नवाब साहब उठते हैं और बाजार में बैठ के जो है दात साफ करना शुरू कर देते हैं सारी दुनिया लगी हुई काम में अपने और ये सबके बाद उठता है कहाँ से फायदा होगा तो अल्लाह ने जो यानी बरकत रखी है वो दिन की शुरुआत में रखी है आदमी उठे अगर ताज न सही कम से कम फजर के लिए उठे और उसके बाद में इबादत करके कुरान की तिलावत किया जिक्र सारे की, किया दिन की की सारी शुरुआत दुआएं उसने पढ़ी अल्लाह पर तोल करके अपने काम धंधे में निकल गया यह जो भी कोशिश अल्लाह ने उसके लिए रखी है उसके लिए वो चल पड़े तो ये ये जो चीज है ये बरकत के असबाब में से है बरकत के असबाब में से है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ यानी दुआ की बल्कि आपने खबर भी दी है आपने फरमाया बुरी खाली उम्मती फी बुकोरिहा मेरी उम्मत की के लिए दिन की शुरुआत में बरकत डाल दी गई है यानी दुआ मकबूल है ये दुआ मकबूल है कि उम्मत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह बरकत दे अल्लाह ताला के यहाँ से बरकत डाल दी गई बोरी कली उम्मीफी इमाम तबरानी ने अल में इसको रिवायत किया है और सै जाम में सगीबे अलबानी ने इसको सही कहा है नंबर चार नमाज का कायम करना जैसे आपने सुना फजर की नमाज न सिर्फ फजर की नमाज बल्कि सारी नमाज है पांचों नमाजें फिर असर मगरिब, ईशा पांच नमाजों का इख्तियारी नहीं कि मुझे नमाज बहुत अच्छी लगती है इसके लिए टाइम मिलता है नहीं पांचों नमाजें इनका ताला ने नमाज के, के साथवानी को जिक्र किया है अल्लाह तरमाता है, अल्ला है वहन तक सुरख आयत नंबर एक सौ बत्तीस ए नबी अप, अपने घर वालों को नमाज की ताकीद कीजिए अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए नमाज के एहतमाम का हुक्म दीजिए फर्ज नमाजों का रही और आप भी उसका अहतमाम करते रहें, आप भी उसका आम है। ला हम आपसे रिस्क नहीं चाहते हम आपसे रिस्क नहीं चाहते नुकुक बल्कि रिस्क तो हम आपको देंगे वो की और अच्छा अनजाम ही के लिए है अच्छा अंजाम तकवा के लिए है लिहाजा जो मुतकी हैं उनके लिए अच्छा अंजाम है इस आय से कई बातें मालूम होती हैं नंबर एक कि अल्लाह ताला ने प्यार रसूल सल अल्लाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को नमाज की ताकद करें वह बेनमाजी लोग नहीं थे अल्लाह तसूल सल्ला को हुक्म दिया आप भी नमाज पर्जे में रहिए रसूल अक्रम सला से ज्यादा नमाज का चाहने वाला नमाज से महबत करने वाला और कौन था जोतनी मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है आखिरी वक्त में आप मस्जिद में लाए गए तो आपके पाँव जमीन में घस गस, घिसटने की वजह से ज़मीन में लकीरें बन रही थी इस हाल में भी आप आके मस्जिद में बैठे और आपने नमाज अदा की आप सोचें कि अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया रसूल की तबियत में सारे अहिल ईमान को इसका हुक्म है अल्लाह ने अपने रसूल को भी हुक्म दिया तो हम कौन है हमको तो ज्यादा एहतमाम करना चाहिए इसलिए कि हमको नजात का की ज्यादा जरूरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मफरत हो चुकी है हमारा मामला फंसा हुआ है लिहाजा हमको ज्यादा मेहनत करना चाहिए हमको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए तो कहा कि आप नमाज का हुक्म दीजिए अपने घर वालों को और खुद भी उस पर जमे रहिए हम आपसे रिस्क नहीं चाहते हम आपको रिस्क देंगे आपकी जिंदगी का मकसद रिस्क के पीछे दौड़ना नहीं है ये रिस्क कमा के अल्लाह को पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको हम रिस्क देंगे यहाँ आप देखेंगे गौर कीजिए कि अल्लाह रबालमी ने नमाज का हुम दिया और नमाज के हुक्म के बाद फौरन रिस्क का जिक्र किया मालूम होता है कहीं कहीं अल्लाह की इबादत और रिज का एक ताल्लुक है इबादत करो अल्लाह रिस्क अदा करेगा आप दूसरी जगह देखिए इबादत कामूमी तौर पर जिक्र किया मकसूद हयात को कहा मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इसलिए कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें किसी और की नहीं और साथ में क्या कहा माँ और उनसे रिस्क नहीं चाहता वमा नहीं चाहता हूं कि न ना मेरा, ना मेरा इरादा है कि वो मुझे खिलाए ये तो अल्लाह है जो रिस्क देने वाला है बार बार कसरत से और बड़ी वाला है शदीद है तो अल्लाह रबालमिन ने इबादत का जिक्र किया और उसके साथ रिस्क का वादा किया मालूम हुआ कि इबादात के एहतमाम में रिस्क की बरकत और रिस्क का हसूल है इया का नया का नस्ताइन हम तेरी इबादत करते हैं तुझे सेनत करते हैं मालूम है कि इबादात के से से का एहतमाम से अल्लाह से इस्तेानत का इस्ताक़ पैदा होता है इसको याद रखिए जब आदमी इबादत का अहतमाम करता है तो अल्लाह की मदद का हकदार बन जाता है चाहे वह किसी भी मामले में हो खूस के मामले में जिसमें उसकी बका और इर्त है लिहाजा इस आय से बात मालूम होती है कि नमाज का कायम करना ये رزق के حصول के असबाब में से है और रिस्क में बरकत के मिलने में नमाज का भी दखल है नंबर पांच zakat की अदायगी जिसके जिम्मे में सदकात भी आते हैं लेकिन खुसूसन zakat अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वमा अअतैतुम मिन zakatin तुरीदुना वजह अल्लाह फौलाएका हुमुल मुदअफकून में आयत नंबर उनचालीस में अल्लाह फरमाता है आते तुम मिन जो भी जक़ात तुम देते हो जिसमें तुम्हारी तुम्हारा इरादा अल्लाह रबालमिन की रदा होता है अल्लाह के चेहरे का दीदार होता है अल्लाह ही के लिए खालिस तुम जक़ात देते हो वाई का तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी अल्लाह की तरफ से ज्यादती अता की जाएगी आखरत में है लेकिन न सिर्फ आखरत में बल्कि दुनिया में भी अनफिक खर्च कर तुझ पर मैं खर्च करूँगा अल्लाह के नबी सल और इसमें फरमाया कि अल्लाह तला का फरमान है अल्लाह तेने बंदों से कहता है ए आदम के बेटे तू खर्च कर यानी भलाई के कामों में तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा तो बंदा जब दीन के लिए खर्च करता है खैर के कामों में खर्च करता है मोहताज लोगों को अता करता है तो ये भी तो मोहताज है कितना भी मालदार क्यों ना हो वो अल्लाह के आगे फ़कीर है या इला लाह। ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के आगे फ़क़ीर मोहताज हो ये तो अल्लाह है जो किसी का मोहताज नहीं गनी है और हमीद है तमाम खूबियों वाला तारीफ का मुस्तक है तो इंसान अल्लाह क्या ये फकीर है बादशाह भी हो तो फकीर है वो कुछ नहीं उसके पास उसका क्या है सब तो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह जब चाहे उसे छीन ले तो उस वो किस चीज का मालिक है तो इंसान मोहताज है लेकिन ये मोहताज इंसान जब अपने पास हासिल शुदा चीजों को मोहताजों को देता है तो अल्लाह रबालमीन इससे ज्यादा बड़ा है सखी है तू तो सखावत करता है मोहताजों को देता है तू तो मेरा मोहताज है मैं तुझको दूंगा जब बंदा दूसरों को देता है दूसरों पर खर्च करता है खैर में खर्च करता है अल्लाह ताला इस पर खर्च करता है इसको अता करता है तो यहाँ पर इस आय से बात मालूम होती है कि जब आदमी जकवात अदा करता है तो जकवात से माल घटता नहीं है जक़ात से माल घटता नहीं, नहीं। हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मान कसद सदकत में माल आदमी का सदका उसके माल में से कम नहीं करता है बल्कि बढ़ाता ही है इंसान का माल बढ़ता है जब उसमें खर्च करता है इसकी बिलाग से रिबा से माल घटता है बज़ाहिर बढ़ता है लेकिन हकीकतन घटता है आखिरत में तो होता ही होता है दुनिया में भी अल्लाह ताला फरमाता है हैबा वयर बसदात अल्लाह ताला रिबा को सूद को मिटाता है असल से काट देता है जड़ से उखाड़ के उसको खत्म कर देता है या, यानी उसकी बरकात और उसका नफा खत्म हो जाता है माल बेफायदा हो जाता है घास की बल्कि उससे भी ज्यादा बेफायदा हो जाता है यम हक उल्लाबा वदक़त अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकत की को परवान चढ़ाता है युर्ब सदक़ात उनको परवान चढ़ाता है आखिरत में तो है ही है कि दुनिया में जब आदमी सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल ला आलमीन उसे कबूल करता है और अल्लाह ताला उसे परवान चढ़ाता है और वो सदका बढ़ते बढ़ते उसके लिए आखिरत में बहुत बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से बन जाता है लेकिन ये आखिरत का इनाम है इसी के साथ साथ दुनिया में भी उसके लिए बरकत डाल दी जाती है लिहाजा जो आदमी दूसरों के काम आता है अल्लाह रबीन उसके काम आता है अल्लाह माका नलाबीआन अखी अल्लाह अपने बंदे की मदद पर होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद पर होता है लिहाजा एक इंसान अपने असबाब जब खल के लिए खर्च करता है इस्तेमाल करता है तो अल्लाह रबीन खालिक भी उसको अदा करता है अल्लाह तला भी उसको अदा करता है तो सदकात भी जरिया है और जक़ात खर्ज है छः शुक्र र्ला का शुक्र अदा करना अल्लाह से राजी रहना अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह तला से राजी रहना अल्लाह तला फरमाता हुआ इतना ल इन शकर तुम लजीद इब्राहिम सात और जब अल्लाह तला ने तुम्हें बताया ने कहा कि बताया वही इन शकर तुम लजीद तुम्हारे रब ने तुमको बता दिया कि अगर तुम शिक्र करोगे तो तुम्हें ज्यादती अता की जाएगी जो कुछ अल्लाह ने तुमको अता किया है उस पर तुम शिक्र करोगे शिक्र क्या है दिल से अल्लाह के आता का उसके एहसान का एतराफ जुबान से अल्लाह की हमदना और आजाद से उस नेमत का अल्लाह की मर्जियात में इस्तेमाल शुक्र क्या है दिल से अल्लाह के मुनिम होने का एतराफ अल्लाह ने दिया दो जुबान से अल्लाहबुलमीन के हमदना अलहमद ला अल्लाह ने अता किया है तीन एक इंसान उस नेमत को अल्लाह की मर्दियात के मुताबिक इस्तेमाल करें और अल्लाह की ताद का अहतमाम करें ये शिक्र है ल इन शकर तुम अगर तुम शुक्र करोगे लकुम तो हम तुम्हारे लिए नेमत में ज़्यादती अता करेंगे मालूम कि अल्लाह की तरफ से ज्यादती मिलती है शुक्र के नतीजे में तो शुक्र भी उन असबाब में से है जिन्हें जिनके जरिए अल्लाह तला गैबी तौर पर अपने बंदे के लिए बरकत देता है इसी तरह से रवा भी है शुक्र के साथ साथ अल्लाह से राजी रहना शिकायत नहीं करना अल्लाह की शुक्र के बिलमकाबिल क्या है कुफर अल्लाह की नाशक्री करना अल्लाह से नाराज हो जाना अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होना अल्लाह ने दिया तो उस पर राजी नहीं होना शिकायत करना तो शुक्र और रिवा इंसान के रिस्क में ज्यादती और बरकत का जरिया है

अल्लाह ने जो उसकी किस्मत में रखा है जो कुछ तकसीम में उसे अता किया है उस पर राजी रहता है बुरी का लिए जो कुछ अल्लाह ने अता किया है अगर वो राजी रहे उस तकसीम पर शिकायत ना करे बल्कि राजी रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बरकत डाल दी जाती है और अल्लाह ताला उसके रिस को और वसी करता है उसके लिए वसायत पैदा फरमाता है वह इलम लम युबार इतलाह लेकिन अगर वो अल्लाह से राजी नहीं रहता है तो उसे बरकत नहीं दी जाती है वो बरकत का मुस्तक करार नहीं पाता वलम यजिद अला मा इत अला मा मा वमयला हो जो कुछ अल्लाह ने उसके मुकद्दर में रखा है अल्लाह ताला उससे ज्यादा उसको नहीं देता है मालूम हुआ कि बरकत अल्लाह की तरफ से आती है शुक्र शिक्र रैसलों पर राजी होना इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है और सही अल्जाम सगीर में शेख अल्बानी ने इसको सही कहा है तो ये बात मालूम हुई कि शुक्र और रिबा बरकत के अस्बाब में से है ज्याति के असबाब में से है नंबर सात हिरस और सवाल से इजतनाम आदमी हिरस बात इंसान के पास होता है लेकिन यानी बोलते हैं ना जैसे पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा तो आदमी जो है उसकी तिजोरी भर जाती है लेकिन उसका दिल नहीं भरता है तो ये जो हिर्स है माल की दुनिया की चीजों की तो ये हिर्स भी मुसीबत है और हिर्स जब बढ़ जाती है तो इंसान सब कुछ होने के बाद भी मांगने वाला बन जाता है क्यों इसलिए नहीं की जरूरतमंद है इसलिए कि अपने माल को बढ़ाना चाहता है वो हाजत की वजह से नहीं होता है वो इजाफे के लिए होता है ये सारी चीजें भी आदमी के लिए बरकत को खत्म करने वाली है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या हकीम आपने अपने सहाबी से कहा यह हकीम ए हकीम इनहादलत ये माल बड़ा रंगीन है हरा भरा है सरसब्ज है दिखाई देने में बहुत है हलवतुन बड़ा लजीज है मीठा है पमन अदी सखावत नफ्सिन बुरी का हूफी जो आदमी सखावत नफ्स के साथ दिल की सखावत के साथ इस माल को हासिल करता है उसके लिए उसमें बरकत डाली जाती है अमन अदाहबारूफी और जो आदमी इशराफ नफ्स के साथ इशराफ नफ्स के साथ इसको हासिल करता है उसको इसमें बरकत नहीं दी जाती है इशराफ नफ्स क्या है दूसरे की जेब पे निखार रखना आदमी के अंदर हिर और तना का होना कि दूसरे के पास जो है वो किसी तरह से इसको हासिल करने की चाहत करे मांग के उसके दिल में उसकी तमन्ना पैदा हो कि कहीं मुझे मिल जाए बगैर किसी सबब के ये मुझे मिल जाए तो एक आदमी जब दिल की लालच और तमा और हिरस के साथ माल को हासिल करने की कोशिश करता है लम लहू उसके लिए उसमें बरकत नहीं दी जाती है तो इंसान को चाहिए कि वो उसके दिल में सखावत हो एक सखावत वाला गरीब आदमी बेहतर है उस मालदार से जिसके दिल में हिरस और बुखल हो इस्लाम सखावत की तालीम देता है आप देखे वहीलाउकान अभी खसास के बारे में आयत नाजिल हुई जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को घर ले गए और उसे खिलाया बीवी शोहर दोनों भूखे रहे और गोया के ऐसा करते रहे जिससे हम खा रहे हैं और बच्चों को भूखा सुला दियात कहते हैं अपने पर दूसरों को तरजीज उससे भी बढ़ के बात है ये ईफार है वही वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं वाल खान अभी जबकि खुद उनका हाल यह होता है कि वो तम होते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस हदीस से बात मालूम हुई कि यानी लम जो आदमी दिल की तमा और के साथ माल हासिल करने की कोशिश करता है उसको बरकत नहीं मिलती नहीं मिलती है कल या कोलो वाला अशवा जैसे वो बीमार के जो खाता रहता है लेकिन कभी सैर नहीं होता है एक बीमारी है जिसमें आदमी खाता है लेकिन उसकी भूख मिटती नहीं है ऐसी बड़ी मुसीबत है तो ये ये जो है हदीस बताती है कि इंसान सैर नहीं हो पाता है उसको सुकून सारी अचीवमेंट के बाद कंटेंटमेंट अगर ना हो तो अचीवमेंट का क्या माना है इंसान को सब मिलकर भी दिल में सुकून नहीं मिला कहीं तो रुके गाड़ी उसकी के पहुंचा नहीं तो फिर आदमी को सुकून नहीं मिले तो मिल के फायदा क्या है का इदराक अगर ना हो तो क्या माना रखता है गौर करें इसमें अगर हसूल का इदराक ही ना हो इंसान को और उससे वो सैर ना हो तो फिर उसके हसूल का फायदा क्या है ये जो चीज़ है हिर के नतीजे में पैदा होती है मुसीबत लेकिन अगर आदमी सखावत नफ्स उसके अंदर हो और अल्लाह से रवा हो शुक्र हो तो थोड़ा भी उसके लिए सुकून का बाइस बन जाता है इस हदीस को इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तो मालूम कि एक यानी सखावत नफ्स ये भी बरकत के असबाव में से नंबर आठ दुआ अल्लाह से दुआ करना अल्लाह के नबी सभी बड़े अजीम, अजीम अस्बा में से है अपने गैब से जिसके लिए चाहे रिस्क में बरकत के दरवाजे खोल दे बरकत अता कर दे तो अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए ऐसी दुआएं जो मसनून हो अपनी तरफ से घड़-घड़ के कुछ भी नहीं वजीफे के तौर पर नहीं हाँ अलब अपने अल्फाज में आदमी अल्लाह से रिस्क की बरकत मांगे कोई हरज नहीं है लेकिन वजीफे बनाकर उसको पढ़ते रहना और उसका पाबंदी से उन अल्फाज में अहतमाम करना ये खिलाफ सुनत है ये बिदाज है अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं नबी करीम वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये है हम भी इसको मांग सकते हैं क्या दुआ है अल्लाहफी दम्बी मेरे गुनाहों को की मफफरत फरमा दे मेरे गुनाहों की मफफरत फरमा दे अम्बिया इसलिए इस्तिगफार नहीं करते थे कि वह नौजबी गुनाहगार थे अम्बिया इसलिए इस्तेफार करते थे कि वो अपने को गुनाहगार समझते थे दोनों में बहुत नेक इंसान भी अपने आप को गुनाहगार जब समझता है अल्लाहमीन की मीज़ान में अपने को खड़ा न उतरने की वजह से ये समझते हुए उसका शाऊर बता रहा है कितना भी इबादत कर कितना भी अच्छा बन जाओ वो ऐसा नहीं बन सकता जैसा अल्लाह तला चाहता है और तो अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकता है तो ये जो शुरूर है सालहीन में आला पैमाने पर होता है और अम्बिया में सबसे ज्यादा होता है तो अपनी सारी इबादत और सब कुछ करके भी कोताही का एहसास अंबिया में होता है ये उनके ईमान के कमाल की वजह से होता है अल्लाहबूल आलमीन के मारिफत की कमाल की वजह से होता है तो इसलिए वो इस्ते करते हैं इसलिए नहीं कि वो गुनागार नौजबिल्ला होते हैं कोई उल्टी दलील से निकाल दे मफरत की दुआ करे का मतलब गुनागार है नौजबिल्ला बल्कि वो गुनाहगार होने का एहसास है जो उनके ईमान के कमाल और तोज़ों की ऊंचाई की वजह से होता है

कि उसके गुनाह के मफफरत हो उसके इस घर में बरकत अल्लाह दे वसाद दे और क्योंकि घर की वसात दुनिया की सदत में से है हदीस में भी आया है तो मेरे घर में वसाद दे और मेरे रिस्क में बरकत दे तो मालूम है कि रिस्क की बरकत मांगना ये मसनून है अल्लाह के नबी वसल्लम की, की सुनत है इस हदीस को इमाम तिरमिदी ने रिवायत किया और यह हसन है तो इस हदीस से मालूम होता है कि दुआ भी इसबाब में से है

एला हमारे मदीना में हमारे शहर में बरकत दे वफी ना हमारे फलों में बरकत दे वो मुद मुदीना मुद्दीना वफी साइना और हमारे मुद्द में और हमारे सा में मुद्द और सा जो है ये नापने का पैमाना है जैसे लीटर वगैरह का होता है तो वैसे पैमाना है जिसमें चीजों को इस तरह से नापा जाता है वफी मुद्दी व फी साइना बारा का बारा का बरकत के साथ और बरकत इसमें अता कर बरकत पे बरकत दे तो मैं ही असरा मैं मै दो मिनलविल्दा और फिर वो जो फल होता आप बच्चों में से सबसे छोटा जो बच्चा होता आप वो फल उसको दे देते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक शफीक इंसान थे रहीम इंसान थे तो जो मजलिस में बच्चे देखिए मजलिस में बच्चे भी आते थे हमारे बच्चे आजकल व्हाट्सएप में और वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं उलमा की मजालस में नहीं Allah के रसोल सल्ला की मदरस में साहबा बच्चों को भी भेजते भी थे तो आपके आस पास जो मदलिस में बच्चे होते उनमें से सबसे छोटा जो बच्चा होता आप उसको फल देते हैं उसकी छोटा बच्चा जो है उसकी रियायत आप करते हैं इसलिए चायत उसकी ज्यादा होती है और अपने ऊपर काबू उसका कम होता है तो ये सुनत रसूल सल्ला की है नए फल पर ये दुआ पढ़ना ये मसनूम भी है और इससे बात मालूम होती है कि आप सल्ला बरकत की दुआ करते थे अपनी मदीना में के लिए और अपने रिज के लिए फलों के लिए और अपने नापतोल के लिए तो ये सही मुस्लिम की हदीस है इसी तरह से तोबा व इस्तफार भी बरकत के और ज्यादती के ज़रार वसाल में से है अल्लाह तला ने कुरान करी में नूह में हजरत नाम का किस्सा बयान करते हुए उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा अल्लाह तला से अपनी दावत का जिक्र करते हुए मुनाजात में कहा फकुलिरबाकुम

आसमान से तुम्हारे लिए खूब बारिश बरसाएगा मुनासिब वक्त में मुनासिब मकदार में मदरारा खिमाना ने कहे बताए कि मदरारा का मतलब यह है कि मुनासिब अवकात में मुनासिब मकदार में तुम्हारे आराम के अवकात में खूब उतनी बारिश बरसाएगा जितनी तुम्हारी फसलों के लिए जरूरी है वो उम्मीद खुम भी बनी और तुम्हें कोत अता करेगा माल के जरिए से और औलाद के जरिए से और तुम्हें बागत और करेगा। में ने बताया है, है कि देखो किस चीज पर मिलेगा इस अपने गुनाहों की मफरक मांगो अल्लाह तल्ला अल्ला तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाएगा तुम्हारे लिए जमीन से बाघ और नहरें जमीन में जारी करेगा और तुम्हें माल और औलाद अदा करेगा ये सारी चीजें दुनिया की क़ुत है दुनिया में कि जीन तरकूवत है अल्लाह ये अता किस चीज़ पर अता करेगा युमदी गुम क्यों अता करेगा तुम इस्तेफार करो मालूम है कि इस्तेफार रिज के बढ़ने के इसबाब में से है लिहाजा आदमी अपने गुनाह पे अल्लाह से रोध हो कि माफी मांगे इस्तेफार करे और तोबा करे आइंदा न करने का आजम करे तो ये भी चीज़ जो है ये भी चीज रिज़ के असबाब में से है इसी तरह से दसवीं चीज सिलानी है रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ना यह भी के में से है अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं फिर आदमी पसंद करता है उसके रज् को फैलाया जाए अयुब सतु फिजकी ही उसके लिए रिज्क में फैलाओ और बरकत और ज्यादती वसात दी जाएफी असरी ही और उसकी उसके, उसके आसार को मखर किया जाए यानी उसकी उम्र को बढ़ाया जाए फल हो उसे चाहिए कि वो रिश्ते नातों को जोड़े जो चाहता है कि रिस्क बढ़ाया जाए उम्र बढ़ाई जाए तो उसे चाहिए कि रिश्ते नातों को जोड़े तो जब आदमी रिश्तों को जोड़ता है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला न सिर्फ उसके रिज्क में बल्कि उसकी उम्र में भी बरकत देता है तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब है इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को रिवायत किया है इसी तरह से भी इसके इसबाब में है खाने पीने में अल्लाह के नबी सुल में मिल के खाओ अलग अलग नहीं अलग मुतफरक ना होमान इसलिए कि बरकत जमात के साथ है साथ मिल के खाओ एक साथ खाओ अलग अलग मत खाओ इसलिए कि बरकत क्या है जमात के साथ है तो यानी एक साथ खाना भी बरकत के अस्बा में से है इमाम इबन माजा ने इसको रिवायत किया और ये हदीस हसन दर्जे की है इसी तरह से नंबर बारह क्योंकि वक्त कम इसलिए मैं ये इस सारी चीज़ें बयान करूँ ताकि हम लोग इस पर अमल करें और शुरुआत से आप पूछें अः कहना भी बरकत के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है अल्लाह का नाम खुद बरकतों वाला है तो लिहाजा आदमी खाने पीने में जब बिस्मिल्लाह कहता है यानी कि हर चीज़ में बिस्मिल्लाह कहना शुरू कर दे तो वही जहां सुन्नत से साबित है तो खाने पीने में जैसे हुक्म भी है और साबित भी है अगर इसमें बिस्मिल्लाह का अहतमाम करता है बरकत होती है वह शिब ने कहते हैं अनहब नबील कॉलो साहबा ने अल्ला के नबी सल के साहबा ने कहा या रसोल्ला के रसुल्लम खाते तो हैं लेकिन सैर नहीं होते हैं पेट नहीं भरता आपने कहा कि शायद तुम अलग-अलग खाते हो। नाम आपने अपने खानों पर खाओ। और खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लो बिस्मिल्लाह कहो युबाकुमी तुम्हारे खानों में बरकत डाल दी जाएगी तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने में बरकत अता की जाएगी यानी दो बातें आप फरमाई जमा हो के खाओ बिस्मिल्लाह बोल के खाओ तो बिस्मिल्लाह कह के खाना ये बरकत के असबाब में से है इस हदीस को इमाम अहमद अबू माजा इबन हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और सहेल जाम सलीम अलबानी ने इसको हसन कहा है इसी तरह से तेरवा सबब क्या है आसान निकाह हमारा निकाह सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है इससे निकाह मखकर भी हो रहे हैं और जिना आसान हो रहा है और अफेयर बढ़ रहे हैं इसका भी ख्याल रखें आसानी के साथ निकाह करना उसमें फितने फसाद और उसमें मुश्किलें ऐच पेंच टेढ़ेपन और उसके अंदर खर्चों की सूरतें पैदा कर देना और मसाल मुश्किल पैदा करना ये सारी चीजें निकाह को मुश्किल बनाने वाली हैं जिनसे मुसीबत आती है समाज में भी और निकाह वाली जिंदगी में भी अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं

वह तयसीरा सदाकी हा उसके महर का मामला आसान हो जाए और तयसी रही हा उसके औलाद के होने का मामला रहीम का मामला उसका आसान हो जाए तो ये भी यानी बरकत में से है कि आसानी से महर का मामला तय हो जाए आसानी से रिश्ते तय होने का मामला तय हो जाए और बच्चे के मामला आसान हो ये औरत की बरकत में से है तो इसमें से आसान निकाह होना भी बरकत के असबाब में से है औरत के बाबरकत बरकत का जरिया होने के असबाब में से है तो ये सलाम करना आपस में एक दूसरे को और खास तौर तो से घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना ये भी बरकत के इसबा में से है अल्लाह के नबी सरम ने हजरत से कहा था या बुनैया यकुन बरकतन बैतिक कहा कवाल बेटे जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर यकुन बरकतन बैतिक। ये चीज तेरे लिए और घर वालों के लिए बरकत का जरिया बनेगी कितनी सादा चीज है घर में कुछ टांगने की जरूरत नहीं आपको नारियल और लेमू और मिर्ची और वो कतबे और काबा का दरवाजा और फुला बाबा की तस्वीर और दरगाह का फोटो या इस तरह से कील ठोकना या कुछ भी करना सब सब गलत बातें हैं आसान चीज है घर में आप दाखिल हो घर से जाए आप सलाम करके जाए तो जब भी तू तो घर में दाखिल हो सलाम कर ये तेरे लिए भी बरकत का जरिया है और घर वालों के लिए भी बरकत का जरिया है घर में खैर बरकत कैसे आएगी आप देखिए कितना आसान जरिया है हेलो हाउ डू यू डू गुड बाय वेलकम ये सारी चीजें क्या है असल असल वरहैक् वरहल वरकत यानी आप जो है सलाम करें घर में दाखिल हो तो, तो सलाम ये बरकत के असबा में से है ये तिर्मिजी की हदीस और सैगी में शेखल अलबानी ने कहा कि हदीस हासन वेर ही है तो ये कुछ इस्बाब थे जो रिस्क में बरकत के इस्बा में से हैं अल्लाह रबालमीन हम सब को हलाल का इख्तियार करना और हराम से बचना इसकी तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह रब्लम पर तोल की तोफ़ी दे अल्लाह रब्लम से रावी होने वाला उसका शुक्र करने वाला बनाए अल्लाह के रज को खैर के कामों में खर्च करने वाला बनाए और इन नेमतों में ना को याद रखने वाला बनाए नेमतों में खो के अल्लाह रबालमीन को भूलने से हमारी हिफाजत फरमाए इंसान की शादत में से है कि नेमत के हुसूल पर वो नेमत में मगन ना हो बल्कि मुनयम की तरफ मुतवजह हो इंसान की शदत में से है कि इंसान नेमत के हसूल पर नेमत में मगन ना हो बल्कि मुनयम की तरफ मुतवजह हो उसका शुक्र अदा करें और उसकी इतान का अहमाम करें अल्लाह ताला हम सबको इसकी तोफ़ीदा फरमाएं अकुल